तक नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग तो सेम है, लेकिन बगल में जो अफ्रीकन ग्रे पैरट का पेयर है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग काम करके निकल जाएंगे और आज ही एक बार दोनों रूम जो है मतलब इकलौते के रूम साफ कर देंगे। बिल्डिंग सेटअप में बार बार घुसना सही नहीं होता, ठीक है, तो जितना हो सके कम घुसना ही अच्छा रहता है, और इसीलिए बिल्डिंग सेटअप हम लोग बड़ा प्रोवाइड किए कि अगर नीचे थोड़ा मोड़ा भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सैकत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बसना बैठ से मैं करता हूं बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक भैया है मेरे साथ वेट करने, अभी देखने के लिए, ठीक है, भैया के बारे में जानेंगे, काफी अच्छा लगेगा। सबसे पहले भैया का नाम पूछ लेते, भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रथिंद्र रॉय। रथिंद्र रॉय, अच्छा, तो भैया मतलब क्या करते हैं? मैं ऐसा डिफेंस में काम करता हूं। डिफेंस में, भैया आर्मी है, ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए भैया आर्मी है, ठीक है, और सब उसके ऊपर। और एक शौक आज मुझे पता चला कि मेरा यह फार्म तो काफी छोटा है भैया का फार्म का सामने, भैया का जो फार्म है काफी बड़ा, बहुत बड़ा फार्म है। अभी भैया का मुंह से सुनेंगे कि क्या क्या बर्ड भैया ने रखे, क्या क्या बर्ड रखे भैया। कन्नूर का काफी वैरायटीज है मेरे पास। कन्नूर भी अप्रोक्स 25 पेयर एज अ ब्रीडिंग है। 25 पेयर ब्रीडिंग है, उसके बाद ब्लैक कैप्स, सीबीसी, मतलब कन्नूर का सारा वैरायटी आपके पास, मैक्सिमम वैरायटीज है। अच्छा, बड़े बर्ड्स में? बड़े बर्ड्स में ग्रे पैरट्स है। ग्रे पैरट्स कितने पेयर है, अमाउंट थोड़ा बोलिए कितना पेयर है? 14 पेयर एज अ ब्रीडिंग है मेरे पास। 14 पेयर एज अ ब्रीडिंग है इनके पास सिर्फ ग्रे पैरट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मकाऊ है। मकाऊ है, ब्लू गोल्ड मकाऊ है, वो कितने पेयर है? दो है। दो पेयर है, और उसको भी बढ़ाना है क्या धीरे धीरे? दो पेयर ब्लू गोल्ड ब्रीडिंग पे बैठा हुआ। अभी ब्लू गोल्ड का तो ब्रीडिंग पे नहीं है अभी, तो मतलब पांच, कितना उम्र है? पांच साल होगा, पांच साल उम्र होगा अभी। जस्ट आज ही बात हो रहा था भैया से थोड़ा देर पहले कि बॉक्स उन लोग को प्रोवाइड करेंगे इसी दो महीना के अंदर, बॉक्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद तो ब्रीडिंग पे बैठा दे दोनों पेयर। और अभी 14 पेयर अफ्रीकन ग्रे पैरट इनके पास ब्रीडिंग पे बैठा हुआ, अभी और चार पेयर का रेडी हो रहा है, ठीक है, मतलब 16 पेयर टोटल इनके पास बैठने वाला है। और भैया का घर कहाँ पे? ये है कोलकाता। भैया का घर हम लोग एक दिन जरूर जाएंगे, ठीक है, विजिट करने और एकदम वीडियो बनाएंगे, काफी बड़ा सेटअप है। और क्या क्या बर्ड है भैया? और पैचलेस का म्यूटेशन है काफी, पैचलेस कॉकटेल का म्यूटेशन, हाँ, काफी म्यूटेशन है। फिर हॉलैंड बद्रीज है, हॉलैंड बद्रीज, कुछ उसके बाद जापानीज है कुछ, मतलब सारे बर्ड जितना है मोटा मोटी सब चीज रखे हैं। मतलब अच्छा, ये सब मेंटेन कौन करता है? मेरा फादर है। आपका फादर, फादर है, मेरा मदर है, करते हैं, और प्लस कुछ काम के लिए दो तीन लड़का लोग लड़का है। यही तो, आप तो डिफेंस में है तो कैसे आप मेंटेन करेंगे? तो घर का आदमी लोग मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा नॉलेज दीजिए मुझे, अफ्रीकन ग्रे पैरट का ब्रीडिंग कैसे सक्सेसफुल हो थोड़ा सा। मैं जहाँ तक देखा हूँ, मतलब छोटा सा ही देख रहा हूँ मैं बर्ड्स वगैरह, तो मैं जहाँ तक देखा हूँ बर्ड्स में अगर आप मेडिसिन ज्यादा यूज करोगे तो वो सही नहीं है। अच्छा, मेरे को जहाँ तक फील, एकदम मैं गलत भी हो नहीं, सकता हूँ, एकदम एकदम तो, सही बात है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, जैसे आपका ओपिनियन क्या, और मेडिसिन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, हाँ, जितना हो सके नेचुरली। बर्ड्स मेरे पास ग्रे पैरट ब्रीड कर रहा है, पिछले 10-12 साल से ब्रीड हो रहा है मेरे घर में, 10-12 साल से ब्रीड, हाँ, ठीक है। और उस वक्त इतना, ये जो आज के दिन जितना कैल्शियम विटामिन वगैरह हो गया प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट ही नहीं था ये सब, हाँ, मतलब ये सब मतलब आया ही नहीं था इतना। ये तो अभी मार्केट में आ रहा है, पिछले 5 साल से हुआ है, हाँ, 5-6 साल हाँ, हो रहा है कि मार्केट इसका पहला हुआ है, हाँ, ठीक है। उससे पहले क्या था, वही नॉर्मल जो मेडिसिन आते थे वही देते थे, मतलब ह्यूमन मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन वेटनरी था, जैसे ये विमराल हो गया, रिकोबिट हो गया, मतलब एकदम नॉर्मल मेडिसिन वही यूज करते थे, इसके अलावा कुछ था भी नहीं ना। अच्छा अच्छा, सही सही है, कुछ था भी नहीं, कुछ था भी नहीं, ऑप्शन ही नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था तो क्या यूज करेंगे? वो आपका कैटल फिश बोन, अच्छा, वही सब यूज करते हैं। और नेचुरल प्रोसेस में जो हेल्दी डाइट है वही प्रोवाइड करते हैं, सीजनल फूड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सब्जी है तो सीजनल सब्जी है वो देते हैं। अच्छा, सीड मिक्स खुद से ही बनाते हैं, आज के दिन में मकाऊ का अलग से सीड मिक्स आ रहा है, 25 किलो का बोरी आ रहा है, कोई 20 किलो का बोरी आ रहा है, उस वक्त नहीं था ये सब, हम खुद से रेडी करना, खुद से करते थे, और वही है। और कोई बोलता है कि ग्रे पैरट को क्रैब खिलाओ बॉईल करके, अच्छा, कोई बोलता है चिकन खिलाओ, हाँ, मैं नॉर्मल एग फूड देता हूँ, आज तक कभी स्नेल, हाँ, कोई क्रैब, कोई चिकन कुछ नहीं दिया मैंने आज तक। सही बात है, बेसिकली मैं ये मानता हूँ चाहे ग्रे पैरट हो चाहे फिंच बर्ड हो, एक बॉन्डिंग क्रिएट करो आपस में, अच्छा, बर्ड अपने आप ब्रीड करेगा, बर्ड अगर अपने आप को सेफ फील करेगा तो कोई भी बर्ड ब्रीड करेगा, मैं यही मानता हूँ, एकदम सही बात है, एकदम। बाकी कैल्शियम विटामिन हो रहा है, जो कर रहे हैं वो हो रहा है, हाँ। काफी बड़ा बड़ा फार्म विजिट किया है मैंने, हाँ। देखा हूँ वहाँ पे, हाँ, है उनका,
देखो सबका अलग अलग एक तरीका है सही करने का हाँ। और मैं जो मानता हूँ क्लाइमेट बहुत बड़ा एक फैक्टर है इस चीज में। क्लाइमेट जो है बहुत वेदर बहुत बड़ा फैक्टर है सही है, मैं ये मानता हूँ हाँ। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ ऐसा नहीं, नहीं है नहीं, 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 सही। अच्छा अभी यहाँ पे जो रहते हैं अच्छा डिफेंस का काम करने के लिए जहाज शिफ्ट होते हैं वहाँ पे भी बर्ड बिना बर्ड का कैसे मन लगता आपको? वही घर से कुछ ना कुछ लेके चलता हूँ घर से कुछ ना कुछ लेके चलता रहता ही है हमेशा मेरे पास, अभी भी है मेरे पास, अभी भी है ग्रे पैरट वही ऐसे चल रहा है ठीक एक दिन जरूर आपका घर जाएंगे सेटअप देखने, बहुत अच्छा लगेगा सेटअप देखने और अच्छा अच्छा नॉलेज भी मिलेगा अंकल का पास से, मतलब भैया का जो पिताजी है उनके पास से जो और ज्यादा नॉलेज हम लोग को मिलेगा। तो फ्रेंड्स कुछ दिन से मतलब अभी दो चार दिन से वेदर जो है काफी अच्छा हो गया है, नॉर्मल हो गया, कूल हो गया ठीक है, टेम्परेचर काफी अच्छा हो गया और सुबह शाम लगभग बारिश भी हो रहा और तो इसलिए हम लोग सोच रहे कि हम लोग का जो इक्लेक्टस का जो पेयर था जिसको हम लोग ने मतलब इक्लेक्टस का जो हम लोग का ब्रीडिंग पेयर था जो चिक्स उठाया था ठीक है और उसका तो हम लोगों ने बॉक्स के मुंह पे जाली लगा दिया था क्योंकि वो जो है काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ब्रीडिंग कर रहा था, मतलब एक बार चिक्स प्रोवाइड करने के बाद फिर से एगले कर दिया, फिर से एक हटा रहा है तो फिर से एगले करने का मूड में आ जा रहा था, तो उसमें क्या उसका हेल्थ का थोड़ा सा हम लोग को और उस टाइम गर्मी भी बहुत ज्यादा था इसलिए हम लोग क्या सोचे उसका हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगा तो कोई तरह हेल्थ में कोई हेल्थ इशू ना आए वो वीक ना हो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं तभी उनका बॉक्स का ब्रीडिंग बॉक्स का मुंह पे जो है नेट लगा दिए थे, बॉक्स नहीं खोले थे बॉक्स वहीं पे लगा हुआ सेटअप के अंदर ही। तो आज अभी से वेदर जो है थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा, अच्छा वेदर हो रहा, लगभग 3 महीना उन लोगों को रेस्ट भी मिल चुका है और अभी अगर उसके बॉक्स का मुंह जो है नेट जो है वो ओपन कर देंगे तो फिर से 1-2 महीना के अंदर वो लोग ब्रीड पे आ जाएंगे ठीक है, जैसे ग्रे पैरट भी ब्रीडिंग पे ब्रीडिंग मोड पे फिर से आने वाले हैं ठीक है। तो ऐसे इग्लेक्टस का आज क्या करेंगे वो जो उनका बॉक्स का नेट है वो हम लोग आज ओपन कर देंगे ताकि वो जल्दी ब्रीड पे आ जाए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक छोटा सा ऐसा प्लास्ट का जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है सेटअप के अंदर आ चुके हैं और आवाज सुन पा रहे हैं और हम लोग का बगल में ये इग्लेक्टस का पेयर ठीक है, फीमेल सामने है और मेल जो है पीछे डंटा पे बैठा हुआ। तो हम लोग जाते हैं अंदर इन सेटअप में घुसने से बर्ड्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ये लोग तो उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग तो टेम है लेकिन बगल में जो अफ्रीकन ग्रे पैरट का पेयर है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग काम करके निकल जाएंगे और आज ही एक बार दोनों रूम जो है मतलब इक्लेक्टस के रूम साफ कर देंगे। ब्रीडिंग सेटअप में बार बार घुसना सही नहीं होता ठीक है, तो जितना हो सके कम घुसना ही अच्छा रहता है और इसीलिए ब्रीडिंग सेटअप हम लोग बड़ा प्रोवाइड किए कि अगर नीचे थोड़ा मोड़ा भी गंदा रहेगा दिन बाद भी अगर साफ करेंगे तो उसमें इन लोग का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा ठीक है। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से इसको ओपन कर देते हैं, इसका नेट जो है एक निकल गया ठीक है, हम तुम्हारा बॉक्स खोल रहे हैं डिस्टर्ब का कोई बात नहीं, तुम्हारा बॉक्स ही खोल रहे हैं, गुस्सा कर रहा उसका बॉक्स छू रहे थे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा। रुको 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 खोल दे रहे रुको खुल गया है ओपन हो गया बॉक्स का ठीक है, चलो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और काफी मेहनत के बाद ठीक है जो है बॉक्स का नेट हम लोग ओपन कर दिए और अभी ब्रीडिंग सीजन भी चालू हो जाएगा, वेदर जो थोड़ा कूल हो रहा है तो हर बर्ड का ब्रीडिंग सीजन चालू भी हो जाएगा ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करिए और आशीर्वाद करिए कि फिर से इस बार अच्छे इतने टच का क्लच जो है हम लोग को देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आप लोग आशीर्वाद करिए आगे बार का तरह इस बार भी काफी अच्छा प्रोग्रेस हो इतने टच का ठीक है और बाकी सब ग्रे पैरट का ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए और क्या हुआ और कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।